11,000 पे सो रहे हो तुम जा जाके, तो क्या क्या फर्क पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम लोग श्रीनगर में हैं, जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा ही है कि रात में हमारे पास 1:30 पे हमें रूम मिला है। तो अभी टाइम हो रहा है कुछ 11:30 के अराउंड। लेट सोकर उठे, फिर डेटा ट्रांसफ़र किया, काफ़ी टाइम लग गया उसमें। तो अभी सारा सामान पैक हो चुका है, बस अब यहाँ से निकलने की बारी है और अब चलेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, सामान वामान गाड़ी में पैक करेंगे, निकलेंगे। तो आज का हमारा जो टारगेट है वो कारगिल का है और यहाँ से अराउंड 200 किलोमीटर्स है और गूगल बता रहा है 5.5 घंटे हमें लगेंगे, लेकिन हमें पता है यार 8 घंटे तो लग जाएंगे, हमें मिनिमम 8 घंटे हमें लगेंगे ही। तो कारगिल भी पहुँचने में अंधेरा होने से पहले शायद हो सकता है पहुँच जाए, पर अंधेरा यहाँ अंधेरा भी लेट होता है। होटल का नाम है होटल समर। रात में उन्होंने चार्ज बताया 1000 रुपये पर रूम, बट उन्होंने बोला रात में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो आप 800 रुपये दे देना। तो आप यहाँ श्रीनगर आकर यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छे लोग हैं। ये हमारा रूम है, सामने से रोड व्यू क्लियर दिखता है। अभी सामान वामान पैक हो चुका है, बहुत कचरा फैला हुआ है, इसको अभी इग्नोर मानना। यहाँ से आप देख सकते हो वहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है। तो रूट में बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन पड़ेगा, सोन मार्ग आएगा, और अभी हमारा प्लान नहीं है सोन मार्ग में स्टे करने, क्योंकि कश्मीर का अपन अलग ही ट्रिप बनाएंगे। फटाफट निकलते हैं नाश्ता करके, चलो फिर मिलते हैं आगे आपसे। तो अभी हम लोग श्रीनगर से निकल गए हैं और अभी टाइम हो रहा 1:30, काफ़ी लेट हो गया श्रीनगर से। तो अब यहाँ से अभी कारगिल के डिस्टेंस दिखा रहा है 190 किलोमीटर। रोड तो ठीक है, बट साथ में एक आएगा पास, जोजिला पास। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें वहीं पर होगा क्योंकि वो काफी डेंजरस पास है, वहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होता है और कभी कभी आर्मी की गाड़ियाँ निकलती हैं तो हमें रोक दिया जाता है तो उनको पास देने के लिए। तो उसमें 2-3 घंटे कभी कभी लग जाते हैं। देखते हैं, हाईवे बना हुआ है, NH1 है ये पूरा, इसी के थ्रू एक कारगिल श्रीनगर कनेक्ट होता है। तो अभी यहाँ से ले कितना है, 395, कारगिल 169, द्रास 112, सोनमार्ग 50 किलोमीटर। और अभी टाइम हो रहा है 2:53। एक्चुअली हमें लेट हो गया थोड़ा सा मार्केट में, हमें एक सिम लेना था, एक पोस्टपेड सिम है अपने पास, बट अपन 4 लोग हैं टोटल, प्रॉब्लम होती है उनको यूज़ करने में, तो इसलिए एक एयरटेल का सिम और ले लिया गया। जब भी आप आ रहे हो यहाँ पर श्रीनगर या जम्मू कहीं पर भी आप आ रहे हो, मतलब इस रीजन में अगर आप आ रहे हो, तो आप इस बात का ध्यान देना कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपके पास DL या पासपोर्ट होना चाहिए। आपके आधार कार्ड पे यहाँ पर सिम नहीं देते, आधार कार्ड पे ID प्रूफ मांगते ही नहीं है। मतलब अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है या वोटर ID है तो उस पर आपको सिम नहीं मिलेगा, सिर्फ DL और पासपोर्ट पर ही आपको मिलेगा। बस ऐसा नहीं है कि आप सिम यहाँ पर आपने परचेस किया तो आप सिर्फ यहाँ पर ही यूज कर सकते, उसको आप पूरे भारत में आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ उसके रिचार्ज में आपको 10 रुपये ज़्यादा पे करना होता है बस। और अगर आप उसको यूज़ भी नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो चालू रहे और नेक्स्ट टाइम कभी आप जम्मू आ रहे हो या कश्मीर कहीं पर भी आप आ रहे हो इस रीजन में, तो सिर्फ आपको हर मंथ 10 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा, बस आपका सिम चालू रहेगा हमेशा के लिए। अभी यहाँ से सोनमार्ग कार से 5 किलोमीटर है, बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, कुछ कुछ दूर पे पैचेस खराब है बट ओवरऑल रोड बहुत अच्छा है। फटाफट अपन आ गए सोनमार्ग, पता भी नहीं चला कब आ। वैली देखो यार अब कितना सुंदर वैली है। सोनमार्ग यहाँ से 4 किलोमीटर है, वाह। अभी अपन सोनमार्ग पहुंचने वाले हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर है, मौसम बहुत अच्छा हुआ है, धूप भी नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं है,
और तेज़ हवा चल रही है ठंडी ठंडी। इधर देखो आप, यहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हो आकर, सोन मार्ग से 2 किलोमीटर पहले, इस ब्रिज से पहले ही आपको कैंपिंग पोजीशन मिलेगा। वैली आप देखो कितना सुंदर है। सोन मार्ग अपन पहुँच गए और अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 4। लियो में यहाँ पर पूरा स्नो से कवर होता है। तो अभी टाइम हो रहा है 4:10 और अपन सोनमार्ग पहुंच गए और रोड बहुत अच्छी कंडीशन थी। बहुत अच्छी लोकेशन है यार सोनमार्ग, बहुत अच्छी लोकेशन है। अपने पास टाइम नहीं है, नहीं तो यहाँ पर अपन स्टे जरूर लेते। आपको वादियाँ पूरी दिखाता हूँ सोनमार्ग की। साइड में रिवर फ्लो कर रहा है, बहुत सुंदर है। बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी। क्या हुआ? ये रिवर फ्लो करते हुए इधर से आ रही है और इधर जा रही है पूरा, और ग्लेशियर से मेल्ट होकर आ रहा पानी। ये देखो बिश्नोई भी आ गया। पानी ठंडा है बिश्नोई? अबे दोनों भी आना स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा बिश्नोई पानी में? मजे आ गए, मजे आ गए। ठंडा था पानी, मस्त भाई। मैं मना रहा था कहाँ से पत्थर ऊपर आ जाए ताकि पानी से बाहर पैर आ जाए, कहीं मिल नहीं रहा था। मैं पत्थर जोड़ जोड़ के ऊपर रखा फिर। मेरे को लग रहा है वहाँ से कि मैं नदी के अपोजिट जा रहा हूँ। यहाँ पर ढेर सारी एक्टिविटी होती है, देख रहे हो। हॉर्स पे भी आप राइड कर सकते हो इधर आसपास। आप अपना कैंप लाकर भी यहाँ लगा सकते हो। ऑलरेडी कैंप देखो, आप बहुत लोग कैंपिंग कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ रिवर साइड कैंपिंग भी आप कर सकते हो। पहले यहाँ पर सोनमार्ग में सब डन हो गया और अभी टाइम हो रहा 5। अब यहाँ से हमें निकलना है क्योंकि अंधेरा होने से पहले तो हमें जोजिला पास को क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट। तो फाइनली जोजिला पास का रोड स्टार्ट हो गया, अपना चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। प्रॉब्लम क्या हो रही है अभी आप देखना, प्रॉब्लम क्या हो रही है। अब सीधा धूप आ रहा है और सामने कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल ब्लैंक हो जा रहा है। स्ट्रक्चर देखो पहाड़ों का, बहुत ज़्यादा हाइट पर अपन चढ़ते चले जा रहे हैं। कान बजना शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा, असर ही नहीं पड़ रहा है यहाँ। अरे अपन 4 दिन से क्रॉस ही तो कर रहे हैं, है ना, उल्टा सीधा ही तो वही तो कर रहे हैं। 11,000 पे सो रहे हो तुम जा के, तो यहाँ क्या फर्क पड़ेगा।
फाइनली हम लोग जोजिला पास को क्रॉस कर गए हैं। और जोजिला पास आप क्रॉस करते ही एक आता है मैगी पॉइंट, को जीरो पॉइंट भी बोलते हैं अपन। यहाँ पर आपको मैगी, चाय, अंडा ये सब खाने पीने के लिए मिल जाएगा। मैक्सिमम टूरिस्ट करते क्या हैं, जितने लोग कश्मीर या सोनमार्ग आते हैं घूमने के लिए, वो सोनमार्ग से कैब लेते हैं और कैब लेकर यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर स्पेशल क्या है, पहली बात होता है जोजिला पास, जोजिला पास विजिट करने लोग आते हैं। फिर जोजिला पास जस्ट क्रॉस करते ही आपको एक पॉइंट आएगा जीरो पॉइंट। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, यहाँ पर ढेर सारे एक्टिविटीज होती हैं, उस एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने के लिए लोग आते हैं। दिख रहा होगा आपको यही ग्लेशियर है जिसको लोग एंजॉय करने लोग आते हैं। यहाँ पर ढेर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ पर देखो ढेर सारे कैब खड़े हुए हैं जो सोनमार्ग अलग अलग लोकेशन से लोग आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर स्नो कार भी लोग ड्राइव करते हैं। यहाँ पर अगर आप पीछे बैठ के जा रहे हो पीलियन की तरह ऊपर तक ले जाएंगे, यहाँ से आपको ऊपर तक ले जाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से नीचे लाएंगे 750 रुपीज़। और अगर आप ड्राइव करना चाहते हो तो 1500 रुपीज़ लगेगा आपको यहाँ से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे लेकर आना। और देख रहे हो आप पूरा ग्लेशियर है, ये हमेशा जमा रहता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड है, तो आप जब भी यहाँ पर आओ विंटर के कपड़े अपने लेकर आओ आप लोग। हम भी जाते हैं यहाँ पर एक्टिविटीज़ करने सब कुछ, बट यहाँ पर दिक्कत क्या है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं, तो हमें यहाँ से निकलना है क्योंकि हमें कारगिल पहुँचना है। और कारगिल यहाँ से 100 किलोमीटर्स है जो कि अराउंड 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, तो इसलिए अपन यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। तो अब अपन यहाँ से फटाफट निकलते हैं कारगिल के लिए। अब यहाँ से अपन निकलते हैं कारगिल के लिए, जो कि डिस्टेंस है 90 किलोमीटर्स, और गूगल बता रहा है 2 घंटे लगेंगे। देखो 2 घंटे तो लग जाएंगे शायद, और आगे का पता नहीं। अभी घुसा लूँ क्या? सही है वैसे, घुसा सकते हैं। अच्छी चीज़ें। हाँ सही बोला, धुल जाएगी आराम। चलो भैया रेडी? रेडी कार वॉश के लिए। अभी सामने दिख रहा होगा आप लोगों को सब ब्लैंक होगा, सब ब्लैंक। यू गाड़ी एकदम धुल गई हमारी, बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी थी। अभी टाइम हो रहा है रात के 8:30 और हम लोग हैं कारगिल वार मेमोरियल के पास। चलिए हमें अंदर भी जाना था बट लेट हो गए, अभी ये क्लोज हो गया है। आप इसमें सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ओपन होता है, आप जाकर देख सकते हैं। जो कारगिल का वार हुआ था उनकी यादों में ये चीज़ें बनाई गई हैं। मतलब मेरा था ड्रीम कि यहाँ पर देखना, अंदर जाना, बट अपन लेट हो गए काफ़ी, तो अब अंदर जा नहीं सकते। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे ज़रूर और अंदर विजिट करेंगे अपन। और दिन में क्रॉस करूँगा मैं इस रूट को और सारी चीज़ें मैं देखूँगा। मतलब ये कारगिल में मेन नहीं पड़ता, ये कारगिल से 50-55 किलोमीटर्स पहले ही पड़ जाता है। कारगिल अभी यहाँ से 12 किलोमीटर है, 10 से 12 किलोमीटर पहुँच जाएंगे 15-20 मिनट में। और रोड यार, रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, कहीं पर भी कोई भी पैचेस खराब नहीं है, बिल्कुल मक्खन जैसी रोड है। नदन आप आ जाओगे कारगिल।